नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे और यह बहुत अच्छी टॉपिक है। आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छी लगेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा गया है कुछ तत्वों के उनके धर्मों गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। मतलब तत्व जो होते हैं, वैसे तो अब तक प्रकृति में खोजे गए टोटल जो तत्व हैं 118 तत्वों की अब तक खोज हो गई है आवर्त सारणी में, ठीक है, जिसमें से इसमें धातु और अधातु तत्व पाए जाते हैं, ठीक ना। इनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, धातु अलग और अधातु अलग। तो वहाँ यहाँ पर वही बात बता रहा है कि उनके गुण के आधार पर धातु और अधातु को अलग अलग किया गया है, ठीक है। धातु के कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे में आयरन, एलुमिनियम, चांदी, कापर, ठीक है, ये सब धातु होते हैं। इसके साथ साथ आपका लोहा, सोना, पारा, सोडियम, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब भी धातु के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। अधातु के कुछ उदाहरण हैं, अधातु का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें धातु अधातु होती हैं, ठीक ना। जो ऊपर टॉपिक दी गई यहाँ पर आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कापर, ये सब धातु होती हैं। ये सब धातु होने के साथ साथ धात्विक गुण जो होते हैं, ठीक है, धात्विक गुण अभी पीछे आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि धात्विक गुण कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और वो धात्विक गुण काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हमें किसी तरह से याद करना या फिर नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा। और आगे अब चलते हैं कि अब हमें क्या आगे है। तो हमें लिया गया है भौतिक गुण, तो यहाँ पर हम धातुओं के बारे में भौतिक और धातुओं के बारे में भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर धात्विक चमक, मतलब धात्विक चमक, ठीक है, मतलब कौन सी चमक होती है धातु और अधातु में, ठीक है। कुछ स्पेशल चमक होती है, जैसा कि अगर आप एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम चमकता है, ठीक है। सोना है उसमें भी कुछ चमक होती है, लेकिन कार्बन है उसमें चमक नहीं होती है, क्यों, कार्बन अधातु होता है। तो धातु के अंतर्गत कुछ चमक होती है। तो यहाँ पर देखिए धातु की सतह चमकदार होती है, यह पॉइंट ऊपर देखिए, यह कॉलम धातु का है और ये वाला कॉलम अधातु का, और ये जो है ना गुड़ का है, ये जो दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धातु चमक, कठोरता, रूप, ये सब गुण है। और ये गुण में कौन कौन से किसके बारे में बात कर रहा है, वो है धातु और अधातु के बारे में। तो पहला गुण है धातु की सतह चमकदार होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बता रहा अधातु चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते भी चमकीला होता है। यह बहुत मस्त टॉपिक है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो धातु नहीं है बट उसकी सतह चमकीली होती है। तो आयोडीन ऐसा अधातु है जिसकी सतह चमकीली होती है। अगला है धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी टॉपिक बता रहा है कि धातुएं कठोर होती हैं लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, चम्मच से काट सकते हैं, इतनी मतलब सॉफ्ट टाइप की होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, अधातु अधिकतर क्या होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है जो सबसे कठोर पाया जाता है, ठीक ना। बता रहा है कि अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती हैं, ठीक है, द्रव अवस्था में होंगी चाहे गैस अवस्था में होंगी, ये सब अधिकतर कठोर नहीं होती। लेकिन हीरा पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं और पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, उसके जैसा कोई कठोर पदार्थ नहीं है। यहाँ पर देख बोला गया है रूप, इनके रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो बोला है कि धातुएं कमरे के ताप पर ठोस पाए जाते हैं, जैसे आपको लोहा, सोना, चांदी, सोडियम, ये सब क्या है, ठोस होती हैं, ठीक ना, कमरे के तापमान पर। तो कमरे का तापमान कितना सेंटीग्रेड है, आपको पता है कमरे का तापमान कितना होता है,
यहाँ पर देखिए, केवल ताप को छोड़कर के जो द्रव रूप में पाया जाता है, किसको छोड़कर के, पारा, सॉरी ताप नहीं, पारा को छोड़कर के, पारा ऐसा धातु है जिसे हम द्रव अवस्था में पा सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पारा को छोड़कर के। यहाँ पर बात कर रहा है धातुएँ ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। धातुएँ कैसी होती हैं, ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन को छोड़कर के सभी क्या होती हैं, ठोस होती हैं। ब्रोमीन तरल पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, और पारा ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। यह बहुत अच्छी टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, या फिर ऐसा कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु में आप ब्रोमीन का नाम लेंगे, और धातु में आप पारा या मरकरी का नाम लेंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, तो आगे हम मिलता है आघातवर्धन। आघातवर्धन में क्या है, आघातवर्धन का मतलब होता है कि ऐसा गुण जिसे हम किसी धातु को पीटेंगे, अगर हम किसी धातु को पीट रहे हैं ना, तो धातु फैलेगी, जितना पीटी उतना फैलेगी, फैलते फैलते एक पत्ती जैसे बन जाते हैं, है ना। तो पत्ती जैसे या चादर जैसे फैलने वाले गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात का नाम ही समझ रहे हैं, आघात मतलब पीटना, वर्धन मतलब फैलना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, ठीक ना, मतलब हम पीट पीट करके फैला सकते हैं, लेकिन अधातुएँ आघातवर्धन नहीं होते हैं। मतलब बता रहा है कि जो अधातुएँ होती है ना, उनको आप पीट करके फैला नहीं सकते, उनके अंदर आघातवर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला गुण है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तानना, तान करके हम तार जैसे रूप में बना देना। यह आता है एग्जाम में, क्या आता है कि टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी का मतलब आघातवर्धनता तन्यता दे देगा, बोलेगा ना कि इसके बारे में लिखिए। तो अगर आप जानते होंगे कि तन्यता क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है कि किसी धातु को तार के रूप में, तन्यता का मतलब होता है कि अगर किसी धातु को आप तानेंगे तो तार के रूप में बनेगा, ठीक है। तार जैसी रूप संरचना में बनाना तन्यता कहलाता है। और आघातवर्धनता किसे कहते हैं, आघातवर्धनता का मतलब होता है चादर जैसी संरचना में बदलना। तो तन्यता के बारे में देखते हैं, तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब हम धातुओं को एक तार के रूप में बना सकते हैं, बट अधातुएँ तन्य नहीं होती हैं। यह बातें याद रखिएगा कि धातुओं को हम तार जैसी संरचना में नहीं बना सकते। विद्युत एवं ऊष्मा के चालक, आपने सुचालक और कुचालक का नाम पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर वही बात आ गई है कि किसके अंदर कितनी चालकता होती है। तो सामान्यतः धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होते हैं, मतलब इनके अंदर विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित हो सकती हैं या इनके माध्यम से चल सकती हैं, वो होती हैं ऊष्मा की सुचालक, ठीक है। जैसे सीसा एवं मरकरी कुचालक होते हैं, बट लेकिन सीसा और मरकरी क्या होते हैं, कुचालक अवस्था में पाए जाते हैं। यह बात आपको नोट कर लीजिए कि ऐसी कौन सी धातु हैं जिन्हें हम कुचालक कह सकते हैं, ठीक है। तो वह सीसा और मरकरी। सीसा का जो सिंबल होता है रासायनिक Pb, और मरकरी का HG होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर, सामान्यतः अधातु में विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। बता रहा है कि ना कि जैसे कोई भी अधातु है तो उनके अंदर बिजली या ऊष्मा नहीं चल पाएगी, जैसे ग्रेफाइट सुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर बिजली प्रवाहित नहीं होती, सॉरी होती और ऊष्मा भी प्रवाहित होती है, मतलब यह सुचालक का गुण रखता है। ग्रेफाइट आप देखे होंगे, पेंसिल के अंदर जो काला सा पदार्थ पाया जाता है टोटल ना, वो ग्रेफाइट होता है, ठीक ना। अगर उसको आप बिजली के प्लग में डालेंगे ना, तो उससे आपको करंट लग सकता है, क्योंकि वह एक तार जैसा व्यवहार करता है। घनत्व, घनत्व के बारे में देखेंगे तो घनत्व में आपको दिखाई देगा कि सामान्यतः अधिक घनत्व और उच्च गलनांक सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व का गलनांक कम होता है। बता रहा है ना कि धातुएँ अक्सर अधिक घनत्व और उच्च गलनांक वाले होती हैं, ठीक है। उच्च गलनांक का मतलब होता है जिससे हम बहुत अधिक ताप पर गला पाएंगे, अन्यथा नहीं गला पाएंगे।
लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु होती है ना जिसकी घनत्व तो बहुत कम और गलनांक भी बहुत कम होता है। इधर बोला है समांतर धातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। बता रहा है कि अधातुओं में ये गुण के लगभग कम अवस्था में होते हैं। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड में मिलेगा धात्विक और ऑक्साइड, ये दो गुण हैं जिन गुणों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। धात्विक गुण क्या है? धात्विक गुण धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। बता रहा है कि अगर हम धातुओं को पीटेंगे तो आवाज़ निकलती है और अधातुओं को पीटेंगे तो आवाज़ नहीं निकलती है। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा कि अगर हम किसी वस्तु पर धातु की जो बनी है उस पर पीटेंगे तो आवाज़ उत्पन्न करेगी, बट अधातु ऐसा नहीं करती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम स्कूल की घंटी का उदाहरण लें तो वह एक धातु होता है जिसे पीटने पर आवाज़ निकलती है। ऑक्साइड के बारे में पढ़ें तो अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, यह पहला लेसन का क्वेश्चन बन सकता है कि धातुएं कैसी गुण प्रदर्शित करता है। तो आप बता सकते हैं धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यह पहला रिएक्शन है इस लेसन का, पहले लेसन का पहला रिएक्शन यही है MgO। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा ये चीज़ कि अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड नहीं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, यह चीज़ याद रखें। लेकिन अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं जैसे SO2। तो इस चीज़ को भाई याद रखिएगा कि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो अगली स्लाइड में आपको मिलेगा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, मतलब जो अब तक पढ़े हैं वो भौतिक गुणधर्म था, बट यहाँ पर आपको एक रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, वो है धातु और अधातुओं को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वायु के साथ अभिक्रिया, मतलब अगर कोई धातु हो चाहे अधातु अगर वायु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अभी हमने बताया था कि मैग्नीशियम धातु है प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, MgO। कैसा बनेगा MgO क्या होता है, क्षार होता है ना, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर पढ़ना है। मतलब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, बस। मतलब धातु प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा धातु ऑक्साइड, बस यही हमें याद रखिएगा। और यह चीज़ पहला लेसन का पहला रिएक्शन यह टॉपिक है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब सबके अंदर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सबके अंदर ऑक्साइड बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताया धातु ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम कोई भी धातु अगर मिलाएंगे, जैसे सोडियम मिलाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड, ठीक ना, एल्युमिनियम बनाएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन मिलाएंगे तो आयरन ऑक्साइड, कॉपर मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड, नाम ऐसे रखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप पे 3 उदाहरण दिए हैं, इसकी सहायता से आप देख करके बना सकते हैं। अगला है धातुएं ऑक्सीजन के साथ लगभग 7 अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, बता रहा है कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ कई तरह से अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं सोडियम बहुत इम्पोर्टेंट लाइन, यहाँ पर नोट है, नोट को आप बढ़िया से नोट कर लीजिए और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। सोडियम और पोटेशियम वायु में आते ही आग पकड़ लेते हैं। बता रहे कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो अगर हवा में आएंगे ना तुरंत उनके अंदर आग लग जाता है, इतनी तेज़ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसे रोकने के लिए हम केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है ना, अगर हवा में रख देंगे ना तुरंत आग लग जाएगी।
कुछ जादूगर इसकी सहायता से जादू दिखाते हैं, ठीक ना। अगर हम इसको सुरक्षित रखना है तो इसको मिट्टी के तेल में रखेंगे, तो मिट्टी के तेल में रखने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो आग नहीं लग पाती। इस वजह से सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। अगली स्लाइड में चलते हैं, तो अगली स्लाइड में मिलता है अगला नोट। यहाँ पर आपको मिलेगा कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पारा वायु के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। पीछे था कि बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, तुरंत आग लग जाएगी, बट यहाँ पर बता रहा है कि ये कुछ ऐसे धातु जो धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, मतलब जंग लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। अगर हम लोहा को, आयरन का मतलब लोहा या फई का मतलब आयरन, ठीक है, यह रासायनिक सिंबल है, बता रहा है कि अगर लोहे को, आयरन को अगर हम वायु में गर्म करें तो वह जलेगा नहीं, उसमें आग नहीं लगेगी, लेकिन ज्वाला में लौह चूड़ डालने पर वो तेज़ी से जलने लगता है। लोहे के चूड़ को अगर हम डालेंगे तो तेज़ी से जलने लगता है, ठीक ना। वहाँ बता रहे कापर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कापर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कापर देखिए आग में नहीं जलेगा, बट अगर उसको आग में जला रहे हैं तो क्या होगा, कापर के ऊपर एक परत जम जाएगी जिसे हम कापर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि खम्भे से लाइन खींचते समय अगर हम कटिया लगा करके लाइन खींच रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें कहते हैं कि उसमें कार्बन लग गया, कार्बन का मतलब वही कापर ऑक्साइड, तो उसको क्या करते हैं लोग, साफ करके फिर लगाते हैं तो लाइन आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक ना। यहाँ पर आगे है कि चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते। पता है सोना इतना महंगा होने की वजह यही होती है कि वो तो मिलता बहुत कम है, और दूसरे साथ साथ ये ऐसे धातु हैं ना जिनको ये जो रिएक्शन नहीं कर सकते। आप सोना अगर पहन रहे हैं तो आप बहुत सालों तक ऐसे ही पहनते रहेंगे, उस पर कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अगर लोहा को अगर पहनेंगे तो लोहा कुछ टाइम बाद जंग लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा, लेकिन सोना और चांदी बहुत कम रिएक्शन करते हैं। जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो सोने और चांदी में नहीं होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है, कुछ ऐसे ऑक्साइड होती हैं जो क्या अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अम्ल भी बना सकते हैं, क्षार भी बना सकते हैं, ठीक है। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो भाई यह एक आसान सी टॉपिक थी जिसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो भाई बस करते हैं यहाँ पर, धन्यवाद।